और वजन उस समय तकरीबन 140 किलो था। इनके शरीर को देखकर इनकी हर एक नस को गिना जा सकता था। बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में बहुत कम लोग इनके जैसा फिजिक हासिल कर पाए हैं। मॉर्गन एस्टे। मॉर्गन एस्टे को एक रियल लाइफ जॉइंट कहा जाता है, यानी कि असल जिंदगी का दानव। फ्रांस में जन्मे मॉर्गन एस्टे की लंबाई 6 फीट 3 इंच और वजन 140 किलो है। इन्हें आज की तारीख में यूएसए का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर भी माना जाता है। मॉर्गन जब साधारण इंसानों के बीच से गुजरते हैं तो लोगों का रिएक्शन देखने लायक होता है, क्योंकि सभी इनके विशालकाय शरीर को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। इनके बाइसेप्स का साइज 25 इंच है। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कि एक 28 इंच की कमर की साइज वाला साधारण इंसान इनके पास खड़ा होकर कैसा महसूस करता होगा। रिच पियाना। रिच पियाना एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर और एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपने 2003 से लेकर 2009 तक के बॉडी बिल्डिंग करियर में मिस्टर कैलिफोर्निया और अन्य कई खिताब जीते। रिच का शरीर बेहद भारी भरकम था। ये उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर में से एक थे जिन्होंने स्वीकार किया कि मैं स्टेरॉयड लेता हूँ। स्टेरॉयड के इस्तेमाल से इनका शरीर भीमकाय तो बन गया, लेकिन इनको इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाल ही में 25 अगस्त 2017 में इनका शरीर बाथरूम में मृत पाया गया था। खबरों की माने तो इनकी मौत स्टेरॉयड के ओवरडोज के कारण हुई थी। के ग्रीन। के ग्रीन एक जीते जागते मॉन्स्टर हैं। वैसे इनका असली नाम लेस्ले के ग्रीन है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इनको सिर्फ के ग्रीन के नाम से जाना जाता है। इनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच और वजन लगभग 130 किलो के आसपास है। ये जनाब अपने सर पर एक लंबी चोटी भी रखते हैं, जिससे उनका लुक और भी घातक दिखता है। बता दें कि कई एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक पर्सनल ट्रेनर, आर्टिस्ट और एक्टर भी हैं।